जदून साहब, इस वक्त सियासत दुबई में बड़ी गर्म है और वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, और सवाल ये है कि वहाँ पे बात क्या हो रही है? क्या बात पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसकी हो रही है? बात कोई वो दुबई प्लान की बाज़गश्त है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या चाहते हैं इंतखाबात के हवाले से कि कब हो इंतखाबात? एक ख़बर ये भी है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वक्त पर हो जाए, यानी कि अक्टूबर या नवम्बर में, लेकिन PMLN चाहती है कि थोड़ी ताखीर के साथ हों। लेकिन एक ख़बर यह भी है कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसमें नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है 5 साल तक, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी की सियासत में वापसी की राह हमवार हो चुकी है, तो उसका रोड मैप बन रहा है कि वो वापसी होगी कैसे। तो सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर इन्हें किन कानूनी मसाइल का सामना हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि उनका इस वक्त जो स्टेटस है और जो सज़ा उन्हें हुई हुई है, या फिर उनके आने से पहले पहले आप वो तमाम मसाइल हल कर देंगे उनके लिए, आप और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? नहीं, आप देखें, उनका एक तो जो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक उनको वो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जब वो सरेंडर कर तो वो अपील जो है वो उसकी रिसरेक्शन होगी, दोबारा अपील जो है एप्लीकेशन दे के बहाल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर उस केस का जो फैसला है वो मेरिट पे होगा। और मेरे ख्याल में उस केस के अंदर इतनी जान नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं एसोसिएटेड रहा हूँ इस केस के साथ थ्रू आउट, क्योंकि दो उसके जो मरियम और कैप्टन सफ्तर है वो ऑलरेडी क्विटल हो चुके हैं उनकी, तो अगर उस केस के अंदर कोई जान होती तो उनकी क्विटल ना होती, उसमें तो उनका अब अपील लगती है, तो ज़ाहिर है मैटर हाई कोर्ट सुनेगी, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि उसमें उनको भी क्विटल हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेस केस की इतनी कमज़ोर है कि उस पर जो कन्वेक्शन है वो स्टैंड नहीं करेगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा? डेफिनेटली वो प्रोटेक्टिव बेल लेके सरेंडर करेंगे ना, उसके बगैर वो तो एक जजमेंट स्टैंड कर रही है, जब वो आएंगे तो वो एक प्रोटेक्टिव बेल, इसहाक डार साहब को तो प्रोटेक्टिव बेल की भी जरूरत नहीं पड़ी थी ना, उनके तो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए थे। इसहाक डार साहब ने भी प्रोटेक्टिव बेल ली है, उन्होंने नहीं, वो बेल लेके आए हैं, बेल लेके प्रोसेस में देखो जो लॉ का प्रोसेस है उसमें तो बंदे को, चाहे केस जो भी हो, झूठा हो या सच्चा हो, केस में प्रोसेस में तो बंदे को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही उसका एंड होता है कि आप कन्वेक्शन हुई है, एक्विटल हुई है, या आगे आप अपील में जा सकते हैं। माशाल्लाह आप तो बड़े वकील हैं, आपको हर चीज का पता है तकरीबन, जो भी प्रोसीजर होता है। डार साहब के रेड वारंट सस्पेंड हो गए थे ना, तो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। डार साहब के रेड वारंट जो है वो मेरे ख्याल में उनके एग्जीक्यूशन हुई नहीं थी, इशू हुए थे, लेकिन वो सस्पेंड हो गए थे, बाद उसमें एग्जीक्यूशन तो इसलिए सर नहीं हुई ना कि वो लंदन बैठे हुए थे, लेकिन जब लंदन से पाकिस्तान वापस आए तो वारंट ही सस्पेंड हो गए थे मुतल्लिका अदालत की तरफ से, इस वजह से उन्हें किसी हिफाजती जमानत की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो अगर इसहाक डार को नहीं पढ़ सकती है तो आपने क्यों कह दिया कि मियां नवाज शरीफ को पढ़ सकती है? नहीं नहीं, इसहाक डार साहब की मुझे खुद पता है कि प्रोटेक्टिव बेल ने अप्लाई की थी, रेड वारंट के अलावा भी एक बंदा देखे ना, अगर वो 87 की कार्रवाई हो चुकी है, वो कह चुके हैं जी ये अभी कांड है या इसमें अपील नहीं हुआ, तो डेफिनेटली हैव टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्टिव बेल। उसमें रेड वारंट का तो वारंट होता है कि आप यू अरेस्ट द पर्सन एंड ब्रिंग बैक टू द कंट्री। काजी मिर्ज़ा साहब वकील थे, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी उनके वारंट गिरफ्तारी की मौतली की, और फिर जब वो हो गए थे तो उसके बाद डार साहब सीधा पार्लियामेंट में लैंड किए थे। एक देखना, जो रेड वारंट है वो इंटरनेशनली वो डिफरेंट है, एक आपका परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, वो जो आप पाकिस्तान के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है वो उसका रेड वारंट जो है वो अलग होता है। अब इंटरनेशनली तो रेड वारंट इशू था, वो रेड वारंट दोबारा जो है वो जो एजेंसी FIA करवाती है वो इंटरनेशनल उनका लाइजन होता है, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, तो उसमें तो ये है कि जब तक आप वो रेड वारंट एग्जीक्यूट नहीं था वो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब जब पाकिस्तान आना जाते हैं तो मतलब रेड वारंट तो एक साइड पे हो गया ना, आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिव बेल लेके आप सरेंडर करा रहे हैं। मियां साहब की जो 3.5 साल की एब्सेंस है पाकिस्तान से, एक फैसला उनके खिलाफ था अपेरेंटली, वो खैर अपेरेंटली कानून में तो होता है कि जब कोई शख्स एब्सकॉन्ड करता है तो वो एब्सकॉन्डेंस जो है उसकी वजह से वो शख्स जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है टू सम पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉसिबल पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सकॉन्डेंस। तो मियां साहब के केस में आप इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी देखो ना, उनकी अपील डिसमिस हो चुकी है ना, कॉन्सिक्वेंसेज तो ही हैज फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज कि वो मौजूद नहीं थे अपील के अंदर, तो अपील उनकी डिसमिस हो चुकी है। लेकिन उस अपील के अंदर डिसमिस करने के बाद एक आगे सेंटेंस लिखा गया उसमें कि जब वो दोबारा सरेंडर करेंगे, जब पाकिस्तान आएंगे वो अथॉरिटी को सरेंडर करेंगे, तो उसके बाद उनकी अपील दोबारा जो है बहाल हो जाएगी। ये सेटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पूडेंस है,
अगर आप संशय में अगर किसी को सजा दे देते हैं तो उसकी अब जाहिर वो परसू नहीं करके। इन हालात में अब सवाल आपसे ये है कि आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग फुल कोर्ट होना चाहिए, मैं भी कहता हूं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो क्या एक लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी फैसला सुना दे, इस तरफ सुना दे या उस तरफ सुना दे, क्या उस फैसले की लीगैलिटी और उसकी वैलिडिटी जीरो हो जाती है अगर फुल कोर्ट नहीं है? क्योंकि वैसे भी फुल बेंचेस तो होते हैं अपना, और लार्जर बेंचेस भी होते हैं जो फैसले सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखें, आप सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आती है, जो भी आर्डर होता है, वो उन्होंने खुद उस दिन कहा है कि हमारे पास कोई छड़ी तो नहीं होती, हम अपने आर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं। उसमें जो पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल है वही इंडोर्स करती है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो। ज़ाहिर उसके पास कोई नहीं होता इन्फोर्समेंट के लिए, कोई ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल एक स्टिक हो के वो कहें जी इन्फोर्स नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, मतलब अपेरेंटली। तो सबसे बड़ी जो लार्जर बेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वही होती है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड पब्लिक ट्रस्ट जो है वो आपकी कोर्ट की जो जजमेंट आती है आर्डर इंडोर्स करता है। अब इसमें यूं ही बेंच बनता है तो विद इन द कोर्ट जो है ये मैसेज जाता है ना, ये थोड़ा सा पब्लिक के लिए ठीक नहीं होता कि जज जो अपने जज हैं बेंच के अंदर वो खुद इतराज़ कर देते हैं कि जी इस तरह कोई हमारे साथ कंसल्टेशन की गई या एक देखें बहुत बड़ा मैटर है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता था कि अगर वो दो सीनियर जज हैं ये सब मशावरत कर लेते और कहते जी मैंने इनसे मशावरत की है, तो अगर वोट चाहते तो फिर थोड़ा सा डाइवर्ट होता कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमें तो आठ, सॉरी एक और चीज़ की वजाहत करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे, अगर चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस मशावरत करें सीनियर मोस्ट जजेस से इंक्लूडिंग द प्यूने जज, और मुशावरत के बावजूद दोनों की राय में इख्तलाफ हो, तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, चीफ जस्टिस की या प्यूने जज की? नहीं, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की, इसमें देयर इज नो सेकंड ओपिनियन दैट कि वो तो चीफ जस्टिस की राय करेंगे, लेकिन देखें कि कंसल्टेशन का प्रोसेस तो हो ना, कंसल्टेशन का प्रोसेस देखें, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस पर तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब इसमें जो ये अफरीदी ने अपना नोट लिखा है, उसने कैटेगरी के लिखा है कि मैं जो काजी फैसल ने अपना नोट लिखा है या उसका जो है वो नहीं बैठे तो मैं उसको फुली इंडोर्स नहीं करता। आपने पढ़ा है ना वहाँ ऊपर लिखा हुआ है जी जी मैंने कि उनके व्यूज को मैं इंडोर्स नहीं करता, लेकिन उसने लिखा है कि अगर फुल कोर्ट हो जाती तो इससे ज्यादा बेहतर होता। उसकी रीजन ये थी जिस तरह अभी आपने कहा है कि जो रावलपिंडी जो बार एसोसिएशन का केस है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401, तो उसमें वाकई 17 जजेस थे, उनकी में डिफरेंट भी आया और वो उस जजमेंट के होते हुए फिर अगर 6 मेंबर बेंच है तो वो उसको ओवर रूल तो नहीं कर सकता, और उसके अंदर जो 2D का जो आर्मी एक्ट का सेक्शन था वो भी अंडर डिस्कशन रहा है। तो ये अफरीदी साहब ने बेंच के अंदर ही कहा था कि उसको आप मद्देनजर रखें कि उसमें इतने जजों ने फैसला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप हम क्योंकि इस जो ये पिटिशन है इनके अंदर वारीज ऑफ सेक्शन 2D को भी चैलेंज किया गया है कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्टर वारीज डिक्लेयर करें। तो उन्होंने कहा आप उस चीज़ को मद्देनजर रखें कि ऑलरेडी एक लार्जर बेंच जो है वो इस पर फैसला दे चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी सिविलियन का जो ट्रायल है वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। तो अब इसमें देखें ये इस बेंच ने भी कोई फिल फोर्स स्टे नहीं दिया कि आप जो प्रोसीजर है उसको बाकी, तो देखें ना आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो वो भी एक्ट बना नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो तो अभी मतलब पाइपलाइन में था, एक्ट नोटिफाई नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिए। तो अब इस केस में आगे चल रहा है तो इसमें देखें ना कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट को अवॉइड करने के लिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए ये जरूरी था कि अगर कोई पहले तो फुल कोर्ट बनती, अगर फुल कोर्ट चली छुट्टियां हो गई, जज अवेलेबल नहीं थे या जितने मैक्सिमम 11 थे तो बन जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो तो नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता। तो इसमें जब बेंच टूटता है ना तो उसमें मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब में जिस वजह से भी टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर